नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू दम। उसके लिए हमें सामग्री चाहिए होगी छोटे छोटे आलू। अगर आपके पास छोटे आलू नहीं हैं तो आप बड़े आलू को भी छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं और उसे हम बॉईल कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है उसको, थोड़ा सा उसमें कड़ापन रहना चाहिए। तो ये हमने आलू को बॉईल करके रख लिया है। और मसालों में हमें चाहिए होगा जीरा और थोड़े खड़े मसाले, गरम मसाले हम ले लेंगे, जिसमें कि दालचीनी, लौंग की 2-3 कलियाँ, काली मिर्च। और हमें मसाले में चाहिए होगा हल्दी पाउडर और हमें चाहिए होगा लाल मिर्च। कश्मीरी मिर्च मैंने लिया है जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। और हमें चाहिए होगा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तेल और कसूरी मेथी। और हमें चाहिए होगा 2 कटे हुए टमाटर, लहसुन की कलियाँ, 3-4 कटी हुई धनिया और मैंने यूज़ किया है 1 बड़ा प्याज, जिसको कि आप छोटा छोटा काट। आलू में हमने फोक से थोड़े थोड़े छेद कर दिए हैं जिससे कि उसमें मसाले अच्छे से जाएं। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि तीखा बहुत ही कम होता है बट कलर बहुत अच्छा आता है इससे। और इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा डालेंगे नमक, ज़्यादा नहीं, बाकी हम सब्ज़ी में भी डालेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पैन ले लेंगे और पैन में मैंने तेल डाल दिया थोड़ा सा, इसको गर्म हो जाने दे देंगे। गर्म हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने ये आलू, लाल मिर्च और नमक डाल के रखा हुआ था, और इसे हम गोल्डन ब्राउन, अब ये ब्राउनिश कलर में हो गया है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। मैंने इस पर और इस गरम तेल में अब हम डालेंगे जीरा, जीरे को थोड़े 2-4-5 सेकेंड का टाइम देंगे। अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च, मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया जिससे अच्छा कलर आता है, और इसको कम तेल के साथ ही डाल लेंगे जिससे कि अच्छा कलर आए। और इसमें हम डालेंगे हल्दी, इसमें डालेंगे लहसुन, आंच मैंने धीमी करके रखी हुई है, इसमें हम गरम मसाला भी डाल देंगे। मैं इसमें दालचीनी, लौंग और थोड़े काली मिर्च डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी भून लेंगे थोड़ा सा। तो अभी अब कच्चापन निकल गया है, इसमें अब हम डाल लेंगे टमाटर। मैं टमाटर प्यूरी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं टमाटर को इसमें ही थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा इसको पक जाने देंगे, हम आँच कम करके मैंने थोड़ी देर छोड़ दिया इसको। थोड़ी देर हम इसको ढक के भी छोड़ सकते हैं, मैंने इसको ढक दिया है। अब हम लेड निकाल के एक बार चेक कर लेंगे, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है,
अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। इसके बाद हम इसको ग्राइंडिंग जार में निकाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने उन मसालों को पीस लिया है और अब हम एक पैन में फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे, इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद हम उसमें डालेंगे जीरा। अभी हम इसमें डाल लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और इसको हम चला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है अभी। इसके बाद इसमें डालेंगे पिसा हुआ अपना मसाला। इस मसाले को पीसते समय मैंने इसमें पानी नहीं डाला था, मैं इसको धीमी आंच में भून लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे मसाले, तो मैंने इसमें डाल दिया धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, इसको हम अभी भुनेंगे। ये मसाले से तेल छूटने लगा है अभी। इसको लगभग मैंने 5-7 मिनट तक धीमी आंच में भुना है। अब इसमें हम डालेंगे फेटी हुई दही, आंच धीमी ही रखेंगे। आंच मैंने अभी भी धीमी ही करके रखी हुई है। अब हम इसमें पानी डाल लेंगे। अपने हिसाब से इसमें पानी डालिए, जैसा आपको ग्रेवी रखना है। इसको थोड़ा हम बॉईल होने देंगे। अभी आप आंच तेज कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया डाल दिया है और थोड़ी सी धनिया हमने बचा ली है गार्निशिंग के लिए। इसमें उबाल आने लगा है। अब हम इसमें कसूरी मेथी क्रश करके डाल देंगे। कसूरी मेथी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये उबलने लगा है। अब इसमें जो हमने आलू अपने फ्राई करके रखे हुए थे वो डाल देंगे। इसमें हम नमक भी डाल लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमने थोड़ा ही नमक डाला था आलू के साथ। थोड़ा चला के लेट बन के इसको छोड़ देंगे। इसका लेट निकाल कर हम चेक कर लेंगे एक बार। ये सब्जी हमारी बन गई है। अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। धनिया से गार्निशिंग कर लेंगे इसकी। और ये हमारा आलू दम बनके तैयार हो गया है।